आइए जी बेटे, करते हैं आज की क्लास को शुरुआत। एक बार फिर आप सब लोगों का हमारी अन एकेडमी की क्लास में स्वागत है। मैं हूं टीआर जैन और मैं लेकर आया हूं हमारे अन एकेडमी के चैनल लेट्स क्रैक सीए एग्जाम। यहां मैं आपके लिए लेकर आया हूं टॉपिक जिसका नाम है बेटे लेट्स क्रैक सीए एग्जाम। ये टॉपिक मैं लेकर आया हूं और ये चैनल पर मैं टॉपिक लेकर आया हूं आपके लिए सीए फाउंडेशन का एक टॉपिक जिसका नाम है बेटा इशू ऑफ शेयर। तो आज की क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इशू ऑफ शेयर को लेकर। रीजन क्या है कि आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं इशू ऑफ शेयर का टॉपिक जिसका नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर। ये टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो एक बार जितने लोग हैं वो सब लोग लाइव मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं, ताकि लाइव कनेक्ट होंगे तो मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आऊंगा और एक से एक टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं, लाइव क्लास में डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए फिर एक बार आप सब लोग मेरे साथ लाइव कनेक्ट हो जाएं और मैं आप लोगों के साथ, ये देखिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉपिक जिसका नाम है लेट्स क्रैक सीए एग्जाम। हमारे चैनल का नाम है बेटा और लेट्स क्रैक सीए एग्जाम पर मैं टीआर जैन आपके लिए लेकर आया हूं क्लासेस अकाउंटेंसी के लिए। मैं आपको बता दूं सबसे पहले अपने बारे में, मेरा नाम है तिलक राज जैन, टी आर जैन, और मैं सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी के लिए अन एकेडमी प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहा हूं। इससे पहले मैंने वेरियस लेवल पर अकाउंटेंसी की क्लासेस की हैं। मैंने सीए फाउंडेशन, उससे पहले सीए सीपीटी, इसके अलावा सीए इंटर, इसके अलावा सी एस फाउंडेशन एंड एग्जीक्यूटिव, इसके अलावा ग्रेजुएशन लेवल पर, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर मैं अकाउंटेंसी पढ़ाता आ रहा हूँ पिछले 15 ईयर से। तो भाई मैं पिछले 15 सालों से लगभग अकाउंटेंसी ही पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा कोर पेपर है अकाउंटेंसी। यहाँ बेटे मैं जब आपके साथ अकाउंटेंसी का पेपर डील करूँगा सी ए फाउंडेशन लेवल पर, तो आप ये बात बिल्कुल मानकर चल सकते हैं बेटे कि मैं आपको ये श्योर कर सकता हूँ कि आपका जो सी ए फाउंडेशन एग्जाम है अकाउंटेंसी के लिए आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं मानकर चल रहा हूँ। हमारा जो ये लेट्स क्रैक सी ए एग्जाम, हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है बेटा, यहाँ मैं और मेरे पूरे टीम एजुकेटर्स बहुत सारी क्लासेस लेकर आते हैं। और मैं आपको बता दूँ, लेकिन अगर आपको हमारे साथ अपना जो पूरा सिलेबस सी ए फाउंडेशन के लिए 100% सिलेबस अगर आपको करना है, तो बेटे आप अपने लिए क्या करेंगे मैं आपको बता दूं, आपको ज्वाइन कर लेना है, आपको डाउनलोड कर लेना है अन एकेडमी लर्निंग ऐप। प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर लें। यहाँ भी आपको हमारी वेरियस लेवल की जो क्लासेस हैं, स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं बेटे, आप हमारा अन एकेडमी का जो सब्सक्रिप्शन है वो भी ले सकते हैं। हमारा जो अन एकेडमी का सब्सक्रिप्शन है वो आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ, ये सब प्लान आपको मिलते हैं। और मैं आपको बता दूं, इन सब प्लान में बेटे आपको अगर आप लेते हैं, यहाँ तो आपको मिलता है मेरे कोड को यूज़ करके, SP तिलक मेरा कोड है, अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको मिलता है बेटा फीस में 10% डिस्काउंट। तो मैं ये सब बातें तो आपके साथ डिस्कस कर रहा था, लेकिन बेटे आज की जो क्लास है मेरी उसका नाम है बेटे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और मैं सी ए फाउंडेशन के अकाउंटेंसी पेपर का एक टॉपिक अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ये आपके साथ कर रहा हूँ आज की क्लास में डिस्कस। और मैं आपको ये बिल्कुल श्योर कर देता हूँ बेटे, मैं आपको ये बात बता दूँ, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ये वाला जो टॉपिक मैं आपके साथ बेटे कर रहा हूँ डिस्कस, इसमें से आपको क्या करना है, मैंने आपको वेरियस क्लास जो आज तक की हैं, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बेटा, मैंने बताया सबसे पहले कंपनी के बारे में कि कंपनी क्या है, इसको कैसे रजिस्टर करना है ये मैंने बताया, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा ये मैंने बताया, कंपनी को रजिस्ट्रेशन के टाइम पर MOA और AOA ये बनाना होता है ये मैंने आपको बताया, ROC से कंपनी को परमिशन मिलेगी और कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा। कंपनी के जो ओनर्स हैं वो आम तौर पर कंपनी को नहीं चलाते हैं, क्योंकि जो कंपनी के ओनर्स हैं उन्हें हम लोग नाम देंगे बेटे शेयर होल्डर्स का, और शेयर होल्डर्स अपने बिहाफ पर
क्या करते हैं, मैनेजर्स अपॉइंट करते हैं। कंपनी लेवल पर जब ये शेयर होल्डर्स अपने मैनेजर्स की टीम लगाएंगे तो वहां मैंने उनको नाम दे दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होंगे वो पब्लिक कंपनी के लिए काम करेंगे, और कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी के लिए जब वर्किंग करेंगे तो बेटा वहां से जो आउटपुट आएगा उसके बिहाफ पर कंपनी को प्रॉफिट होगा। मैंने आपको बताया दो तरह के बेटा आपकी कंपनी में शेयर हो सकते हैं, एक मैंने आपको बताए थे प्रेफरेंस शेयर, एक मैंने आपको बताए थे इक्विटी शेयर। मैं 5 मिनट आपको ये बता दूं कि मैंने टॉपिक में क्या क्या पढ़ाया है, उसके बेस पर आप प्रीवियस, अगर आज किसी ने मेरी आज क्लास ज्वाइन की है तो मैं बता दूं प्रीवियस सारी क्लास हमारे इस लेट्स क्रैक सीए एग्जाम हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेंगी। आप वहां से ये सारी क्लासेस बहुत अच्छे लेवल पर आराम से कर सकते हैं। तो चलिए, मेरे साथ कुछ बच्चे प्लस होने स्टार्ट हो गए हैं। बद्रीनाथ जी आपका स्वागत है बेटा। चलिए मैं आपको बता दूं, यहाँ हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर, ये वाला टॉपिक मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। और मैं आपको बता दूं बेटे, यहाँ अगर मैं बात करूँ दो तरह के शेयर हैं, एक प्रेफरेंस शेयर है और एक बेटा मेरे पास इक्विटी शेयर है। एक मेरे पास है प्रेफरेंस शेयर, एक मेरे पास है इक्विटी शेयर, ऐसा मैंने आपको बताया था बेटे। प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर आने के बाद उनके डिफरेंस मैंने आपको बताए, उसके बाद बेटे मैंने आपको बताया प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स, अलग अलग तरह के प्रेफरेंस शेयर के टाइप बताए, और उसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, ये सब बातें बताई। इतना काम करने के बाद अगर आप देखेंगे ये सब बातें जो मैं स्क्रीन पर रोटेट कर रहा हूँ ये सब मैंने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा दिया है। प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ शेयर ये मैंने पढ़ाया कि भाई आपको शेयर इशू करने का प्रोसीजर क्या फॉलो करना है, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और इन सब बातों के बाद हमने बात की इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस इन द मार्केट। अगर हम लोग मार्केट में अपना प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, पब्लिक से एप्लीकेशन रिसीव करते हैं, उसके बाद अलॉटमेंट मनी आती है, उसके बाद हमारी कॉल मनी आती है, ये सब बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं कि किस तरह से आपको शेयर का जो अमाउंट है वो कॉल करना होता है, ये सब बातें मैंने बताई। उसके बाद मैंने इसकी अकाउंटिंग प्रोसीजर के लिए जर्नल एंट्रीज आपको करवाई, फिर मैंने इशू ऑफ शेयर के टाइप्स आपको बताए, टाइप्स ऑफ इशू ऑफ शेयर फॉर कैश और टाइप्स ऑफ इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश, ये मैंने आपको करवाया। उसकी अकाउंटिंग एंट्री मैंने पूरी आपको करवाई, और उसके लिए अदर देन कैश की अकाउंटिंग क्या है ये सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की। प्रमोटर्स को शेयर इशू करेंगे, वेंडर को शेयर इशू करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, सब मैंने आपको बताया बेटे। ये सब काम करने के बाद इनसे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ये सब मैंने क्लास में आपको करवाए। वेरियस लेवल पर मैंने आपको टॉपिक बताए, कॉलिन एरियर अगर होगा तो कैसे ट्रीटमेंट होगा इससे रिलेटेड टॉपिक करवाया, कॉल इन एडवांस होगा तो कैसे ट्रीटमेंट होगा इसका टॉपिक मैंने आपको करवाया। इसके बाद ओवर्स कॉल इन एडवांस को कैसे ट्रीट करना है उसके लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाए। उसके बाद मेन कंसर्न टॉपिक था ओवर सब्सक्रिप्शन। बेटे मेरी बात को समझिएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन का ये जो टॉपिक है, मैं आपको बता दूं ओवर सब्सक्रिप्शन का ये जो टॉपिक है, मैं आपको क्लियर कर दूं, ओवर सब्सक्रिप्शन का ये जो टॉपिक है ये मैंने आपको बड़ा डिटेल से करवाया, उससे रिलेटेड क्लासेस मैंने आपको बताई थी, ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो कैसे डील करना है ये सब मैंने आपको करवाया। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस क्लास में हमने प्रैक्टिस किए थे लास्ट क्लासेस में, और इन सब बातों के बाद मैं आपके लिए लेकर आया फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर। इन सब बातों के बाद मैं लेकर आया आपके लिए फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर। फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर में मैंने ये बताया कि अगर कोई शेयर फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर विच आर प्रीवियसली इशूड एट पार, अगर कोई शेयर हमने पहले से एट पार अगर इशू किया था, और फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर विच आर प्रीवियसली इशूड एट प्रीमियम, अगर एक शेयर हमने प्रीमियम पर इशू किया था, अगर हमने एक शेयर एट पार इशू किया था तब एंट्री कैसे बनेंगी, अगर एट प्रीमियम इशू किया था तब एंट्री कैसे बनेंगी, ये पूरा अकाउंटिंग मैंने आपको सिखाया, और इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवा दिए बेटा, बहुत सारे क्वेश्चंस
ये मैंने आपको क्लास में करवा दिए। आज की जो मेरी क्लास है बेटे, इसमें मैं आपके साथ लेकर आने वाला हूं ओवर सब्सक्रिप्शन। आज की जो मेरी क्लास है इसमें मैं लेकर आऊंगा आपके लिए ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। आज की क्लास में मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, कि भाई अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया और उस केस में अगर आपको शेयर फॉर फीचर करने पड़े तो कैसे होंगी एंट्रीज, ये सब मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अब क्या करें मैं आपको बताता हूं बेटा, आप सबसे पहले अब क्या करें, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। अब क्या करें, आप जो है अपनी नोटबुक निकालें, मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके सामने जो प्रोजेक्टर स्क्रीन दिखाई दे रही है इस पर एक क्वेश्चन लेकर आऊंगा, क्वेश्चन की रीडिंग करवाऊंगा और वो क्वेश्चन आपको मैं नोट करवाऊंगा। उसको नोट करवाने के बाद फिर हम लोग उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन बनाएंगे, एक एक एंट्री बनाएंगे, उसके वर्किंग नोट बनाएंगे और आपको प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में किस तरह से एंट्रीज बनानी है। एक एक पॉइंट आज की क्लास में डिटेल से आने वाला है। आज की क्लास सिर्फ प्रैक्टिस की क्लास होगी और इतनी जबरदस्त तरीके से मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं, आपको दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। तो ये देखिएगा, अगर मैं स्क्रीन पर आपके सामने दिखाऊं तो एक क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पर आपके सामने रखा है ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। स्क्रीन पर मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा है ओवर सब्सक्रिप्शन का। यहां देखिएगा, इसमें मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूं, आप देखो इसमें मैंने लिखा हुआ है ए लिमिटेड एक कंपनी है बेटे, इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपी 10 ईच पेबल एज फॉलो। एक कंपनी ने पब्लिक को 50,000 शेयर्स ऑफर किए और ये बोला कि एप्लीकेशन मनी आपको पे करनी है 3 रुपए, अलॉटमेंट मनी आपको पे करनी है 4 रुपए, फर्स्ट कॉल मनी आपको पे करनी है 2 रुपए और सेकंड कॉल मनी या फाइनल कॉल मनी आपको पे करनी है 1 रुपए। इस तरह से आपको शेयर पर अमाउंट पे करना है। ये बोलता है एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 70,000 शेयर, 70,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आती है एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस, और अलॉटमेंट इस बेसिस पर किया गया टू एप्लीकेंट फॉर 10,000 शेयर्स इन फुल। बेटा जिन्होंने 10,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन लगा दी उनको फुल अलॉटमेंट दे दिया गया। एप्लीकेंट फॉर 60,000 शेयर्स अलॉटेड 40,000 शेयर, जिन्होंने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको फुल अलॉटमेंट जो है वो हमने दिया और जिन्होंने 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको बेटे हमने 40,000 शेयर जो है वो अलॉट किए। ऐसी दो कैटेगरी हमने बनाई बेटे। इसने ये बोला एक्सेस पेड ऑन एप्लीकेशन वाज यूटिलाइज टुवार्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ये बोलता है जो एक्सेस अमाउंट है उसको हमने एडजस्ट करना है अलॉटमेंट में। इसने बोला एक्सेस अमाउंट को हमने एडजस्ट करना है अलॉटमेंट में। तो मैं आपको बता दूं, ये देखिएगा, सबसे पहली बात 50,000 इक्विटी शेयर है 10 ईच। हम लोग क्या करेंगे, पहले मैं एक बार लिख देता हूं क्वेश्चन को स्क्रीन पर। बेटे मेरे पास 50,000 शेयर्स हैं और एक शेयर का प्राइस आपने रखा हुआ है 10, तो मैं इसको शॉर्टकट में लिख लूंगा, यानी कि 5 लाख वैल्यू के ये शेयर हो गए। इन्होंने ये बोला कि भाई एप्लीकेशन मनी 3 रुपए देना है, अलॉटमेंट मनी 4 रुपए देना है, फर्स्ट कॉल मनी 2 रुपए देना है और सेकंड कॉल मनी आपको 1 रुपए देना है। टोटल अमाउंट देना है आपको 10। 50,000 के लिए हमने पब्लिक को ऑफर किया लेकिन क्या हुआ, 70,000 शेयर्स के लिए पब्लिक से हमारे पास एप्लीकेशन आने स्टार्ट हो गए। 70,000 शेयर्स के लिए पब्लिक से हमारे पास एप्लीकेशन आए बेटे। हमने क्या किया, उसमें दो कैटेगरी बना दी। पहली कैटेगरी बना दी जिन्होंने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको हमने 10,000 शेयर्स अलॉट कर दिए, और जिन्होंने 60,000 के लिए अप्लाई किया था
उनको हमने 50,000 शेयर्स अलॉट कर दिए। अब सब लोग बेटा इतना काम एक बार नोट कर लो, अब सब लोग इतना काम एक बार आप नोट कर लो, इतना काम अगर आपको समझ में आ गया तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटे, उसके बाद हम लोग एक एक करके आगे का टॉपिक जो है वो पढ़ने वाले हैं। आप मेरे को ये वाली बात बताओ, ये वाली बात आप सबको क्लियर है क्या? फटाफट से आप मेरे को रिप्लाई करिए, इतना आपको क्लियर है क्या? अगर आपको इतना क्लियर होगा तो फिर मैं उसके आगे अकॉर्डिंगली आपके साथ आगे की बात डिस्कस करूंगा। तो चलिए, अगर आप इस सब लोग कहते हैं कि सर इतना क्लियर है, मैं फिर बता दूं, 50,000 शेयर्स थे और एक शेयर का प्राइस है 10, जो हमने पब्लिक को ऑफर किया, दैट मीन्स 5 लाख रुपए के शेयर हैं, एप्लीकेशन मनी 3, अलॉटमेंट मनी 4, फर्स्ट कॉल मनी 2, सेकेंड कॉल मनी 1, टोटल अमाउंट आ गया बेटे 10, टोटल अमाउंट आ गया बेटे 10। अब 70,000 शेयर्स के लिए हमने पब्लिक को ऑफर किया था, 10,000 ऐसे निकले जिनको हमने 10,000 दे दिए, 60,000 ऐसे निकले जिनको हमने 50,000 शेयर्स अलॉट कर दिए। इतना काम होने के बाद अब हमने क्या किया, ये देखो जरा, ये कैटेगरी हमने बना दी, पब्लिक से एप्लीकेशन आना स्टार्ट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, आ शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 1,000 शेयर्स आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 60,000 शेयर्स फेल्ड टू पे द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट एंड मनी ड्यू ऑन कॉल्स। ये कहता है कि एक शेयर होल्डर जिसको हमने 1,000 शेयर अलॉट किए थे, उसने बेटे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और उसने जब कॉल के पैसे भी नहीं दिए तो कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। ऑल दी शेयर्स फॉरफिटेड एंड 600 ऑफ द शेयर वर री इशू एज फुल्ली पेड अप ऑन द रिसिप्ट ऑफ ₹8 पर शेयर। ये बोला गया कि इस कंपनी में 1,000 शेयर वाला एक पर्सन है जिसने 60,000 वाले ग्रुप से, जो एप्लीकेंट था, मतलब 1,000 शेयर उसको अलॉट है लेकिन वो 60,000 वाले ग्रुप से था, उसने अलॉटमेंट और कॉल्स के पैसे नहीं दिए। आप मेरी बात सुनो, एक बात सुनिए, एक पर्सन जो इस ग्रुप से है और उसको अलॉट कितने शेयर हैं बेटे, 1,000 का अलॉटी है वो। आप मेरी बात सुनो, एक शेयर होल्डर जो लिस्ट 2 से है लेकिन उसको अलॉट किए गए 1,000, उसने अलॉटमेंट के पैसे पे नहीं किए और उसने कॉल्स के पैसे भी पे नहीं किए। बेटे 1,000 का जो अलॉटी था, 1,000 शेयर्स जिसको अलॉट थे, एप्लीकेंट वो ज्यादा का पाएगा भी, आप मेरी बात को सुनना, 1,000 शेयर जिसको अलॉट थे बेटा, उस शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, तीनों कॉल के पैसे नहीं दिए और कंपनी ने उसके शेयर्स को कर लिया बेटे फॉरफिट। और फॉरफिट करने के बाद उनमें से री इशू कितने शेयर्स किए, 600 शेयर्स को री इशू किया एज फुल्ली पेड अप ऑफ रिसिप्ट ऑफ ₹8 पर शेयर, ये मानते हुए कि शेयर फुल्ली पेड अप है लेकिन इशू किया गया ₹8 पर शेयर में। अब आप मेरी बात को समझिएगा, फॉरफिट किए गए 600 शेयर, री इशू किए गए फॉरफिट किए गए 1,000 शेयर, री इशू शेयर किए गए एट द रेट ऑफ ₹8 पर शेयर, 600 शेयर्स को बेटा री इशू हमने कर दिया। अब अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं बेटे, 50,000 शेयर्स 10 ईच वाले हैं तो 5 लाख रुपए के हो गए, सबसे पहली बात है, एप्लीकेशन मनी 3, अलॉटमेंट मनी 4, फर्स्ट कॉल मनी 2, सेकंड कॉल मनी 1, टोटल अमाउंट आ गया बेटे 10, टोटल अमाउंट आ गया 10। ये कहता है 1,000 शेयर्स का जो अलॉटी है, जिसको 1,000 शेयर अलॉट किए और वो लिस्ट 2 से है जिसमें प्रोराटा बेसिस पर अलॉटमेंट किए गए, वो पर्सन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, तीनों कॉल्स पर डिफॉल्टर हो गया और कंपनी ने उसके शेयर्स को बेटे कर दिया फॉरफिट। मैं कैसे एंट्रीज बनाऊंगा, आप मेरी बात को अच्छे से समझ के चलो, मैं कैसे एंट्रीज बनाऊंगा, आप मेरी बात को अच्छे से समझ के चलिए, मैं क्या करूंगा, आप मेरी बात को सुनना बेटा, मैं यहां आपके लिए एक रफ वर्क करूंगा,
जिसमें मैं बनाऊंगा वर्किंग नोट्स, जिसमें मैं आपके लिए बनाने वाला हूं वर्किंग नोट्स। सही बात है, यहां मैं रफ वर्क में आपके लिए बनाने वाला हूं वर्किंग नोट्स। अब ये देखो, फर्स्ट एंट्री से अगर मैं स्टार्ट करूं, अब ये देखिएगा, अगर मैं आपके लिए फर्स्ट एंट्री से स्टार्ट करूं, तो भाई ये बात समझ के चलो आप, अगर मैं फर्स्ट एंट्री से स्टार्ट करूं तो ये बात समझ के चलो, फर्स्ट एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बेटे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं, एप्लीकेशन के नाम पर 3 रुपए और मेरे पास एप्लीकेशन आ गई 70,000, तो 70,000 इंटू 3 करेंगे, ये वैल्यू आ गई बेटे 2,10,000। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास टोटल एप्लीकेशन मनी आ गई 2,10,000। एंट्री में बना रहा हूं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2,10,000। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट एंट्री क्या बनाएंगे बेटे, नेक्स्ट एंट्री बनाएंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। नरेशन आप लिखते चलना, मैं आपको नरेशन लिख करके नहीं दे रहा हूं बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सेकेंड एंट्री बना देंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन का जो ये अमाउंट है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। आप ये देखिए 50,000 इंटू 3, एप्लीकेशन के नाम पर 1,50,000 रुपए का अमाउंट हम लोग ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में। बेटे शेयर एप्लीकेशन में से शेयर कैपिटल में मैंने लेकर जाने हैं 1,50,000। क्यों? क्योंकि जितने शेयर मैंने पब्लिक को ऑफर किए थे उसका जो एप्लीकेशन मनी है मेरा तो वही रिक्वायर्ड था। मैं तो ये चाहता था कि भाई 50,000 शेयर्स के लिए मेरे पास पब्लिक से एप्लीकेशन आए और एक शेयर पर 3 रुपये आए तो 1,50,000 रुपये बनता है। ये अमाउंट मैं चाहता था कि पब्लिक से मेरे पास रिसीव हो, लेकिन हुआ क्या कि मेरे पास आ गया एक्सेस अमाउंट। तो मैंने क्या किया, 50,000 इंटू 3 आपका 1,50,000 रुपये का जो अमाउंट है ये अमाउंट तो मैंने ट्रांसफ़र कर दिया शेयर कैपिटल में, और जो रिमेनिंग अमाउंट है आप मेरी बात को समझिएगा उसका मैं क्या करूंगा, तो आप मेरी बात सुनो, एक्सेस अमाउंट जो आया इन कैटेगरी वालों का तो कोई एक्सेस अमाउंट था नहीं, और इन कैटेगरी वालों का 60 वालों का जब 50,000 शेयर अलॉट हुए तो 10,000 पर 3 रुपए के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन मनी कितनी आ गई बेटा एक्स्ट्रा 30,000। बेटे एक सेकंड के लिए रुकिएगा, यहां 40,000 अलॉट है, मैंने गलत लिखा हुआ है क्वेश्चन में, 40,000 है, मैंने गलत लिखा हुआ है, 40,000 है, तो यहां इसका मतलब ये 20,000 इंटू 3 है, सॉरी ये 20,000 इंटू 3 है, दैट मीन 60,000 ये अमाउंट है। 10,000 वालों को 10,000 दिए, 60 वालों को 40 दिए, ये देखिएगा आई थिंक मैंने गलत नोट कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं है, यस 60 वालों को हमने कितने दिए बेटे 40, कोई दिक्कत नहीं है, चलते चलते ये देखिएगा, अगर हम लोग बात करें 60 वालों को अगर मैंने 40 दिए तो 20,000 इंटू 3 आप अगर बात करेंगे तो इन लोगों के मेरे एडवांस कितने रुपए आ गए 60,000। जो प्रोराटा कैटेगरी वाले हैं उनके मेरे पास 60,000 अमाउंट एक्स्ट्रा आ गया, तो प्रोराटा वालों का जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया बेटा 60,000, ये 60,000 हमें रिफंड नहीं करना है बल्कि ये 60,000 मैं ट्रांसफर कर दूंगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में, शेयर अलॉटमेंट के नाम पर ये लो, ये 60,000 मैंने कर दिया ट्रांसफर। तो पहली एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और सेकंड एंट्री बन गई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन में से 1,50,000 रुपए का अमाउंट मैं लेकर गया कैपिटल में, और 60,000 का जो अमाउंट एक्स्ट्रा था उसको मैंने ट्रांसफर कर दिया बेटे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। इस तरह से बेटे हम इसकी एंट्री बनाकर चलेंगे। आप मेरे साथ सब चीजें ध्यान से पढ़ के चलो, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छे लेवल पर
मैं आपके साथ आज की क्लास को डिस्कस करने वाला हूं। ये देखिए बेटे, तो पहली एंट्री हमने बना दी 50,000 शेयर्स जो थे उसके ऊपर हमने जो है एप्लीकेशन कॉल किया, बट 70,000 पर हमारी एप्लीकेशन आ गई। तो मैं क्या करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 70,000 × 3, 70,000 शेयर्स पर ₹3 के अकॉर्डिंग 2,10,000 रुपए का अमाउंट आ गया। फिर एंट्री बनाएंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जो अमाउंट ट्रांसफर करना था शेयर कैपिटल में वो गया शेयर कैपिटल में, और एक्स्ट्रा जो अमाउंट है उसको हमने ट्रांसफर कर दिया बेटे शेयर अलॉटमेंट में। इतना काम मेरा हो गया। उसके बाद बेटे मैं अमाउंट ड्यू करूंगा अलॉटमेंट का। आप मेरी बात को बढ़िया से समझ के चलना बेटा। उसके बाद मैं अमाउंट ड्यू करूंगा शेयर अलॉटमेंट को लेकर, एंट्री बनाऊंगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू करूंगा, एंट्री बनाएंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आप ये देखो, मेरे को 50,000 शेयर का अगर अलॉटमेंट मनी ड्यू करना हो तो अलॉटमेंट मनी ₹4, 50,000 पर ₹4 के अकॉर्डिंग कितना अमाउंट ड्यू करेंगे 2 लाख, 50,000 पर ₹4 के अकॉर्डिंग ड्यू कितना करेंगे 2 लाख। अगर आप देखेंगे 50,000 × 4, ये अमाउंट हमारा ड्यू हो गया 2 लाख रुपए। एंट्री बना देंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अलॉटमेंट का अमाउंट कर देंगे ड्यू, एंट्री बना देंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये वाली एंट्री बना देंगे। हम लोग जब करेंगे इसको रिसीव, तो रिसीव करने की एंट्री क्या बनाएंगे, अलॉटमेंट का अमाउंट जब रिसीव करेंगे तो रिसीव करने की एंट्री बना दो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हमें ये देखना होगा कि अलॉटमेंट के टाइम पर कितने पैसे रिसीव होंगे। अब आप मेरी यहाँ बात समझिएगा, और यही वो स्टेज है जहाँ से हमें बहुत अच्छे लेवल पर चीज़ों को समझ के चलना होगा। ये वो स्टेज है जहाँ अगर आपको क्लियर हुआ तो ये बात मान के चलो कि आपका टॉपिक समझ में आ गया। बेटे अलॉटमेंट के नाम पर मैंने आपको देने थे 2 लाख रुपये, अलॉटमेंट के नाम पर आने थे 2 लाख रुपये, लेकिन आप ये देखो जब एप्लीकेशन मनी आ चुकी थी तब एक पर्सन से, एक कैटेगरी से जो एडवांस आ रखा था वो तो आएगा ही नहीं। अब ये देखिए, एक कैटेगरी जो प्रोराटा वाली है उनसे जो एडवांस आ रखा था वो तो आएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो हमें एडवांस ही आ चुका है। ये वाली बात बताओ क्लियर है क्या, अगर यहाँ कोई भी पर्सन डिफॉल्टर ना हो तो भी अलॉटमेंट के 2 लाख रुपये में से हमें जो रिसीव होगा ना वो 1,40,000 रुपये रिसीव होगा। दैट मीन्स 60,000 जो एडवांस आ चुका है बेटा वो रिसीव नहीं होगा। लेकिन मैं आपको यहाँ एक बात याद करा दूँ, यहाँ एक पर्सन भी डिफॉल्टर हो गया, एक ऐसा पर्सन जो प्रोराटा कैटेगरी का है और जिसको हमने 1,000 शेयर अलॉट किए, ऐसा पर्सन जो प्रोराटा कैटेगरी में अलॉटेड है और उसको हमने 1,000 शेयर अलॉट किए थे और उसने अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकंड कॉल के पैसे नहीं दिए। अब सारा खेल इस 1,000 शेयर का है बेटा, कि ये बंदा जब डिफॉल्टर होगा कहाँ कितने रुपए से डिफॉल्टर होगा और इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो बेटा मैं आपको बता दूं, मैं आपको यहाँ डिटेल से इसका वर्किंग नोट बनवाऊंगा और वर्किंग नोट बनवा करके इसकी कैलकुलेशन जो है वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो बेटे आप क्या करेंगे, आप मेरी बात को अच्छे से सुनो। सबसे पहले आप क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। आप जो है ये क्वेश्चन देखो, 50,000 शेयर है 10 ईच, 5 लाख रुपए के, और अगर मैं बात करूं इसके अंदर तो ये देखिएगा, यहां मेरे पास इस तरह से शेयर की अमाउंट आनी थी। एक शेयर होल्डर जो 1,000 वाला, जिसको 1,000 शेयर अलॉट है, एप्लीकेंट वो ज्यादा का पाएगा क्योंकि वो 1,000 वाला बंदा, ये हाईलाइट कर रहा हूं मैं, जिसको 1,000 शेयर अलॉट किए गए थे वो इस कैटेगरी से है, जिसमें 60,000 के एप्लीकेंट को कितने अलॉट किए गए, जिसमें 60 के एप्लीकेंट को 40 अलॉट किए गए। बेटा 60 के एप्लीकेंट को अगर 40 अलॉट है तो एक बात तो ये क्लियर है, जिसको 1,000 शेयर अलॉट होंगे उसके एप्लीकेंट तो ज्यादा मिलेंगे, ये वाली बात तो पक्का है। जिसको 1,000 शेयर अलॉट है उसके एप्लीकेंट ज्यादा मिलेंगे। क्या करेंगे सुनो, एप्लीकेंट 4,
आप ऐसा लिखो वर्किंग नोट में, एप्लीकेंट फॉर 40,000 शेयर्स। ये जो कैटेगरी है इसके 40,000 शेयर के एप्लीकेंट कितने थे बेटे? 60,000 शेयर। अगर 40,000 शेयर के एप्लीकेंट 60,000 है, तो एक शेयर के एप्लीकेंट कितने होंगे? 60,000 डिवाइड बाय 40,000 इनटू, और अगर मैं बात करूं कितने शेयर अलॉट हैं, 1,000, तो 1,000 शेयर के अलॉट कितने, एप्लीकेंट कितने होंगे? इनटू 1,000। तो आप कैलकुलेट कर लो, ये वैल्यू आ जाएगी 1,500। मैं जो बात आपको बताने वाला हूं वो समझ लीजिए। आज की क्लास लंबी क्लास जाने वाली है, और आज की क्लास में बेटे एक एक क्वेश्चन बहुत ही डिटेल से, ओवर सब्सक्रिप्शन का जो टॉपिक है ये मैं बहुत अच्छे लेवल पर आपको करवाने वाला हूँ। आप मेरी बात को सुनिए, एप्लीकेंट ऑफ 40,000 शेयर, 40,000 शेयर के जो एप्लीकेंट हैं बेटे वो कितने हैं? 60,000। 40 वाले एप्लीकेंट को अगर मैंने, 40 के अलॉटी को अगर एप्लीकेंट 60 रखे थे, तो ये बताओ जिसको 1,000 शेयर अलॉट हुए, जिसको बेटे 1,000 शेयर अलॉट हुए उसके एप्लीकेंट भी तो ज्यादा पाएंगे। 40,000 के एप्लीकेंट अगर 60 हैं, तो 1,000 के एप्लीकेंट मैंने निकाल लिए 1,500। ये वाली बात समझो, जिसको 1,000 शेयर अलॉट किए उसके एप्लीकेंट कितने रहे होंगे? 1,500। ये वाली बात क्लियर है? इतना बताओ पहले, क्लियर है क्या ये सबको? क्लियर? यहां लिखेंगे एक्सेस अमाउंट, एक्सेस अमाउंट ड्यू, एक्सेस अमाउंट रिसीव, एक्सेस अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन। अब मैं ये देखूंगा कि इस पर्सन से मेरे को एप्लीकेशन के टाइम पर कितना एक्सेस अमाउंट आ गया। बेटे एक बात बता दो, अगर हमने 1500 शेयर जिसको अप्लाई किए उसके अलॉट कितने शेयर हुए? 1000। जिसने 1500 के लिए अप्लाई किया उसको अलॉट कितने हुए? 1000। इसका मतलब 500 शेयर का आपका एक्सेस अमाउंट आ गया एप्लीकेशन के नाम पर ₹1,500। 500 शेयर का एक्सेस अमाउंट आ गया ₹1,500। आप मेरे को ये वाली बात बता दो, ये वाली बात आपको क्लियर है क्या? 500 शेयर का एक्सेस अमाउंट आपके पास आ गया ₹1,500। ये बात सही है? अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब एक बात सुनो, जिसने 1500 शेयर के लिए अप्लाई किया था और बेटे हमने उसको शेयर अलॉट कितने किए? 1000। पूरी बात सुनना, जिसने 1500 शेयर के लिए एप्लीकेंट था, अलॉट हमने उसको किए 1000, तो इसका मतलब 500 शेयर्स का उसका अमाउंट हमारे पास आ गया एक्स्ट्रा। ये बात आप एग्री करते हो? यस सर। चलो, 500 शेयर का एक्स्ट्रा अमाउंट, एप्लीकेशन मनी ₹3 है, तो उसका कितना अमाउंट एक्स्ट्रा आ गया? ₹1,500। आप एग्री करते हो? यस सर। चलो, उसके बाद अब एक बात बताओ, लेकिन मैंने उसको 1000 शेयर अलॉट किए ना, अब 1000 शेयर की जब मैं अलॉटमेंट मनी उससे ड्यू करूंगा ₹4 के अकॉर्डिंग, ये देखो जब मैं उससे 1000 शेयर की अमाउंट ड्यू करूंगा ₹4 के अकॉर्डिंग, कितना अमाउंट ड्यू करूंगा अलॉटमेंट का? 4000। मैंने उससे अलॉटमेंट के टाइम पर कितने रुपए मंगवा लिए? 4000। बंदा क्या कहता है? सर मैं आपको कितने रुपए एडवांस दे चुका हूं? ₹1,500। लेस कर दो, जो एडवांस अमाउंट हमें मिल गया वो लेस कर दो। आप ये देखो, एडवांस अमाउंट हमें कितना मिला? 1500, वो लेस कर दो, तो नेट अमाउंट हमारे पास क्या बचा बेटे? ₹2,500। नेट अमाउंट हमारे पास क्या बचा बेटे? ₹2,500। यानी कि ये कि भाई अगर मैं उससे 1000 शेयर पर अलॉटमेंट के ₹4 के अकॉर्डिंग ₹4,000 कॉल करता हूं, वो पर्सन क्या बोलेगा कि सर जो पैसे मैंने आपको एडवांस दे दिए थे पहले तो आप वो एडजस्ट कर दो। अब उसने हमें कितने रुपए एडवांस दे दिए थे? तो मैंने देखा कि उसने हमें ₹1,500 एडवांस दे दिए थे, तो वो मैंने एडजस्ट कर दिए, तो अब अमाउंट कितना बच गया भाई? ₹2,500। ये अमाउंट हमें उससे लेना था जो कि रिसीव नहीं हुआ, अमाउंट नॉट रिसीव, अमाउंट नॉट रिसीव, हमें इतना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट
कॉल उसी पर्सन से जब मैंने फर्स्ट कॉल के पैसे ड्यू किए, तो भाई साहब फर्स्ट कॉल का पैसा कितना ड्यू करेंगे? आप मेरी बात सुनो, फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना ड्यू करेंगे? तो आप ये बात समझिए, 1,000 पर फर्स्ट कॉल के अमाउंट के पैसे कितने हैं? फर्स्ट कॉल का अमाउंट है 2 रुपये। अब फर्स्ट कॉल का 2 रुपये के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, तो फर्स्ट कॉल का 2 रुपये के अकॉर्डिंग कितना बनता है? 2,000 रुपये। लेकिन उसने फर्स्ट कॉल वाले 2,000 भी नहीं दिए। उसके बाद अमाउंट ड्यू बनता है सेकंड कॉल, अमाउंट ड्यू ऑन सेकंड कॉल। अगर मैं सेकंड कॉल की बात करूं, अमाउंट ड्यू ऑन सेकंड कॉल, सेकंड कॉल पर 1 रुपये है, 1,000 रुपये इंटू एक। उसने सेकंड कॉल वाले पैसे भी नहीं दिए, उसने अलॉटमेंट के पैसे भी नहीं दिए, उसने फर्स्ट कॉल के पैसे भी नहीं दिए, उसने सेकंड कॉल के पैसे भी नहीं दिए। तो भाई मैंने आपको वर्किंग नोट में ये बनवा दिया कि उसने कौन कौन से टाइम पर कौन कौन से पैसे नहीं दिए। उसने अलॉटमेंट के टाइम पर ये पैसे नहीं दिए, उसने फर्स्ट कॉल के टाइम पर ये पैसे नहीं दिए, उसने सेकंड कॉल के टाइम पर ये पैसे नहीं दिए। सही बात है ना? तो जहां जहां वो कितने कितने रुपए से डिफॉल्टर है वो मैंने बना दिया। अब बेटे अगर मैं बात करूंगा अलॉटमेंट के टाइम पर 2 लाख रुपए आने थे, 60,000 तो मेरे पहले ही एडवांस आ रखे हैं, तो कितने रुपए हमारे पास नेट आने थे? 1,40,000। लेकिन हुआ ये कि 2,500 रुपये से ये पर्सन डिफॉल्टर हो गया। अब 2,500 रुपये से अगर ये पर्सन डिफॉल्टर हो गया, तो आप ये बात मान सकते हो कि नेट अमाउंट मेरे पास 1,37,500, ये अमाउंट नेट मेरे को रिसीव होगा। मेरे को एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट 1,37,500 ये नेट अमाउंट अलॉटमेंट के टाइम पर रिसीव होगा, ये मैंने बना दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा? ड्यू करूंगा फर्स्ट कॉल का अमाउंट। एंट्री बनाएंगे शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। एंट्री बनाएंगे शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप बेटे फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू करेंगे तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट कॉल का अमाउंट है 2 रुपये। अब 50,000 इंटू 2 रुपये अगर आप करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 1 लाख रुपए की। फर्स्ट कॉल का अमाउंट अगर आप ड्यू करेंगे तो ये अमाउंट कितना आ गया बेटे? 1 लाख रुपए। एंट्री बना देंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एंट्री कितने से बना देंगे? 1 लाख रुपए से। जब बेटे ये अमाउंट, फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव करने की बारी आई, फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव करने की बारी आई, एंट्री हम लोग बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब फर्स्ट कॉल के टाइम पर बेटे 2,000 रुपये का अमाउंट नहीं आया, तो आप ये कह सकते हो फर्स्ट कॉल के टाइम पर नेट 98,000 का अमाउंट हमें रिसीव हो गया। फर्स्ट कॉल के टाइम पर नेट 98,000 का अमाउंट हमें रिसीव हो गया, क्योंकि 2,000 जो डिफॉल्टर है वो नहीं आएंगे। उसके बाद क्या करेंगे बेटे? उसके बाद सेकंड कॉल का अमाउंट ड्यू करेंगे। सेकंड कॉल का अमाउंट ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या बनाएंगे? शेयर। सेकंड कॉल को आप फाइनल कॉल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद कोई कॉल फर्दर नहीं है। एंट्री बनाएंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप बेटे फाइनल कॉल का अमाउंट ड्यू करेंगे तो मैं बता दूं, 50,000 इंटू 1, फाइनल कॉल का अमाउंट ड्यू करेंगे 50,000। एंट्री बनाएंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फाइनल कॉल का अमाउंट हमने कर दिया ड्यू। अब बेटे फाइनल कॉल का अमाउंट अगर आप करेंगे रिसीव, तो एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट। एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल का 1,000 छोड़कर 49,000 ये नेट अमाउंट हमें रिसीव हो जाएगा। फाइनल कॉल का ये 49,000 नेट अमाउंट हमें रिसीव हो जाएगा।
फाइनल कॉल का अमाउंट ड्यू किया और रिसीव किया, ये एंट्री बना दी। फाइनल कॉल का अमाउंट हमें रिसीव हो जाएगा, हमने एंट्री बना दी। बेटा इतनी वर्किंग करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, फाइनल कॉल का अमाउंट रिसीव हो गया, उसके बाद मैं बनाऊंगा शेयर फॉरफीचर करने की एंट्री। फाइनल कॉल का अमाउंट रिसीव करने के बाद मैं बनाऊंगा फॉरफीचर करने की एंट्री। एंट्री बनाएंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फॉरफीचर अगर मैं करता हूँ, मेरी पूरी बात सुनना ध्यान से बेटे, मैं फॉरफीचर करने जा रहा हूँ 1000 शेयर, और एक शेयर की कीमत कितनी है 10, तो 1000 शेयर × 10 कितने के हो गए, 10,000 के। जो अमाउंट नहीं आया वो क्रेडिट कर दो। एक तो शेयर अलॉटमेंट नहीं आया था इन 1000 वालों का, वो क्रेडिट होगा। सेकंड कॉल नहीं आया था इन 1000 वालों का, सेकंड कॉल नहीं आया, सेकंड कॉल अकाउंट को क्रेडिट कर, नहीं फर्स्ट कॉल नहीं आया पहले, सॉरी फर्स्ट कॉल नहीं आया, फर्स्ट कॉल क्रेडिट कर दो। अलॉटमेंट नहीं आया, फर्स्ट कॉल नहीं आया वो भी क्रेडिट। फाइनल कॉल नहीं आया उसको भी क्रेडिट कर दो। जो जो पैसे नहीं आए वो क्रेडिट कर दो। और बेटे जो अमाउंट आ चुका है उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में, उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे बेटे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। एंट्री बना देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो अमाउंट नहीं आया, शेयर अलॉटमेंट नहीं आया तो अलॉटमेंट क्रेडिट कर दो, फर्स्ट कॉल नहीं आया तो फर्स्ट कॉल क्रेडिट कर दो, सेकंड कॉल या फाइनल कॉल नहीं आया तो उसको क्रेडिट कर दो। और बेटे जो अमाउंट आ चुका है उसको किस में ट्रांसफर करेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। आप प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे, ये देखिए आप ये देखिए, अलॉटमेंट के कितने रुपये नहीं आए बेटा, 2500 रुपये। फर्स्ट कॉल के कितने रुपये नहीं आए, 2000 रुपये। सेकेंड कॉल के कितने रुपये नहीं आए, 1000 रुपये। 2500, 2000, 1000, ये लो। अलॉटमेंट के नहीं आए 2500, फर्स्ट कॉल के नहीं आए 2000, सेकंड कॉल के नहीं आए 1000, और रिमेनिंग जो अमाउंट आ चुका है बेटा उसको फॉरफीचर करेंगे। तो ये लो 10,000 - 2500 - 2000 - 1000, तो ये नेट अमाउंट बेटे फॉरफीचर के नाम पर 4500 रिसीव हो जाएगा। आप मेरे को ये वाली बात बता दो, सब लोग इतना सबको क्लियर है क्या, 45,000 का जो अमाउंट है बेटे ये मेरे को रिसीव हो जाएगा। इतना काम करने के बाद देखो, मैं आपको बता दूं, मैंने 1000 शेयर फॉरफिट किए और 1000 शेयर के अगेंस्ट मेरे को 4500 का अमाउंट फॉरफीचर में चला गया। इस लेवल पर अगर आप ये चाहें कि सर एक बार ये चेक करवा सकते हो क्या कि ये क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग है, प्रैक्टिकली बताओ, जो ये 1000 वाला बंदा है जिसके शेयर में फॉरफिट कर रहा हूं, ये पर्सन हमारे पास कितने शेयर की एप्लीकेशन लेकर आया था, ऊपर अपन ने नोटबुक में किया था वो 1500 शेयर की एप्लीकेशन लेकर आया था, एप्लीकेशन मनी उसने दी हमें 3 रुपए के अकॉर्डिंग 4500, उसको बेटे हमने 1000 शेयर फॉरफिट किए, 1000 शेयर इशू किए और जो एडवांस मनी थी वो एडजस्ट कर दी उसकी अलॉटमेंट में। लेकिन प्रैक्टिकली बताऊं तो जितने पैसे वो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन हमें देकर गया था उसका हमने कोई भी अमाउंट बेटे रिफंड नहीं किया था, वो सारा पैसा आज भी कंपनी के पास है। और एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर वही अमाउंट हम लोग करते हैं फॉरफिट, जो अमाउंट हमें शेयर होल्डर से रिसीव होता है। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ शेयर होल्डर से, जो अमाउंट मेरे को रिसीव हुआ, एंट्री बना देंगे बैंक शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकेंड या फाइनल कॉल और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ये वाली एंट्री जो है बेटे आप बना सकते हैं शेयर फॉरफीचर को लेकर। आप मेरे को पहले ये बता दो सब लोग, इतना सबको क्लियर है क्या? अगर आप सब लोगों को इतना क्लियर है तो बेटा मैं इससे आगे की बात करूंगा। इतना काम करने के बाद आप मेरी बात सुनो, मैंने 1000 शेयर्स को फॉरफिट किया, आउट ऑफ दीस री इशू 600 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 8 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। ये देखिएगा, आउट ऑफ दीस री इशू 600 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपी 8 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप।
बेटे आप मेरी बात को समझिएगा ध्यान से बेटे, अगर हम लोग इसको रीइशू करेंगे, रीइशू करने की एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, रीइशू करने की एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट 600 शेयर इनटू 8 4800 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 600 इनटू 2 1200 ये आ गया, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट बेटे ये अमाउंट आ जाएगा। आप मेरे को ये वाली बात बताओ, ये वाली बात क्लियर है क्या? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटे हमने 600 शेयर्स को रीइशू किया, जो 10 वाले थे वो हमने 4800 8 रुपए के रेट से रीइशू कर दिए, तो ये जो अमाउंट है ये हमें किस में चला गया? शेयर फॉर फ्यूचर में चला। और सबसे लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट है एंट्री बना देंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बेटे शेयर फॉर फ्यूचर का जो अमाउंट है इसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। इसके बारे में भी कुछ चीजें हैं जो आपको समझ के चलनी है। क्या समझ के चलना है सुनो बेटे, मैंने फॉर फ्यूचर किए थे 1000 शेयर्स। 1000 शेयर जब मैंने फॉर फ्यूचर किए तो मेरी फॉर फ्यूचर मनी कितनी थी? 1000 शेयर्स पर हमारी जो फॉर फ्यूचर मनी थी वो थी बेटे, आप देखेंगे 4500। तो एक शेयर पर फॉर फ्यूचर मनी कितनी होगी? डिवाइड बाय 1000। और हमने रीइशू किए 600 शेयर्स, 600 शेयर्स पर फॉर फ्यूचर मनी कितनी होगी? इनटू 600। अगर हम लोग ऐसा निकालें तो 4500 डिवाइड बाय 1000 इनटू 600 आप वैल्यू निकालेंगे 2700। ये अमाउंट आ गया, मतलब ये कि 1000 शेयर्स पर हमारी फॉर फ्यूचर मनी अगर इतनी है तो 600 शेयर पर फॉर फ्यूचर मनी इतनी होगी। लेस करेंगे उसमें से लॉस ऑन री इशू, लेस करेंगे लॉस ऑन री इशू कि री इशू करने पर हमें कितना लॉस हुआ। बेटे अगर आप चेक करोगे री इशू करने पर आपको 1200 रुपए का लॉस हुआ, री इशू करने पर अपने को 1200 रुपए का लॉस हुआ। 2700 में से 1200 गया तो बचा हुआ 1500 का जो अमाउंट है ये अमाउंट बेटा हमारा फॉर फ्यूचर से चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। एंट्री बना देंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये अमाउंट आएगा बेटे 1500। फॉर फ्यूचर का अमाउंट कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा तो बोला गया 1500 का जो ये अमाउंट है फॉर फ्यूचर से उठा करके कैपिटल रिजर्व में आप ट्रांसफर कर दीजिए। इतना काम मेरे को करना था, अब फटाफट से मेरे को बता दो इतना आप लोगों को क्लियर है क्या? सही है, शेयर फॉर फ्यूचर का जो अमाउंट है वो हम लोग लेकर जाएंगे कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री बना देंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये वाली एंट्री बना देंगे बेटे। चलिए तो मैंने आपको बता दिया किस तरह से शेयर फॉर फ्यूचर का केस प्रोराटा बेसिस में होता है, प्रोराटा बेसिस में किस तरह से एंट्री बनेगी ये मैंने आपको करवाया। बेटा इसी बेस को बना करके अगर मैं आपके साथ आगे कंटिन्यू करता हूं तो मैं आपके साथ आज की क्लास में हर एक वो टॉपिक ओवर सब्सक्रिप्शन को लेकर जो बनता है वो आज की क्लास में कवर करवा दूंगा। आज की क्लास अगर आपने कर ली आपको वापस से कभी भी ओवर सब्सक्रिप्शन को लेकर के डाउट नहीं रहेगा। एक बार फिर से समझिए, ओवर सब्सक्रिप्शन, अब मैं जो टॉपिक करवाऊंगा ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, अगर बेटे शेयर्स को प्रीमियम पर इशू किया गया था तब एंट्री क्या बनेगी? व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, बेटे अगर कंपनी अपने शेयर्स को प्रीमियम पर इशू करती है तब एंट्री क्या बनाएंगे ये हमें देखना है। ये देखिएगा स्क्रीन पर, मैं आपके लिए लेकर आता हूं एक क्वेश्चन और,
जहां मैं बात करने वाला हूं प्रीमियम की। यहां मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और लेकर आता हूं, जहां मैं आपके लिए बात करूंगा प्रीमियम की और एक शेयर प्रीमियम पर अगर इश्यू करेंगे। देखो स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है आप उसको फटाफट से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए बेटा, स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है फटाफट से आप उसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही स्क्रीन वाला क्वेश्चन आपकी नोटबुक में नोट हो जाएगा मैं उसके बारे में आपके साथ प्रैक्टिकली अप्लाई करवाना स्टार्ट कर दूंगा। फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिए बेटे, फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिए, फटाफट से आप इसको नोट कर लें, उसके बाद मैं आपको जो इसको टॉपिक को नोट करवा के चलूंगा। आप बेटा नोट कर देंगे तब तक मैं आप लोगों के जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं वो पढ़ रहा हूं। फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद मैं आपके लिए वापिस से करवा रहा हूं, इस क्वेश्चन को बढ़िया लेवल पर करवाऊंगा और कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। चलिए आप मेरे को ये बता दें आपको इतना क्लियर है क्या? अगर आपको इतना क्लियर होगा तो बेटे आपके लिए ये और बढ़िया हो जाएगा। फटाफट से आप मेरे को बताएं आपको इतना क्लियर है क्या? मैं आपको बढ़ा देता हूं क्वेश्चन, यहां मैं बात कर रहा हूं 29 क्वेश्चन की। यहां लिखा गया डी कंपनी ऑफर टू द पब्लिक 20,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर पेबल एज फॉलो। ये कहता है कंपनी जो है उसने 20,000 शेयर इशू किए हैं, एक शेयर का प्राइस रखा गया ₹100 और एक शेयर के ऊपर प्रीमियम हमने कॉल किया ₹20। बेटे एप्लीकेशन अमाउंट है 30, अलॉटमेंट अमाउंट है 40, फर्स्ट कॉल अमाउंट है 25, फाइनल कॉल अमाउंट है 25। ये कहता है एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 26,000 शेयर। एप्लीकेशन 26,000 शेयर्स के लिए रिसीव होता है, आउट ऑफ दोज 1,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, जिनमें से 1,000 वालों को तो रिजेक्ट कर दिया गया। फुल अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकांट ऑफ 5,000 शेयर्स, जिन्होंने 5,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन लगाई है उनको फुल अलॉटमेंट दिया गया, एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द बैलेंस, और बैलेंस जितने हैं उनको अलॉटमेंट दिया गया प्रोराटा। फाइनल कॉल वाज नॉट मेड, फाइनल कॉल कंपनी ने नहीं कॉल की है, बट द शेयर होल्डर होल्डिंग 600 शेयर टू हुम अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी, हिज शेयर वर फॉरफिटेड। फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर लिए। आउट ऑफ दीज 500 शेयर वर री इशू ₹70 पर शेयर एज 75 पेड अप। ये वाला क्वेश्चन अब इसमें प्रीमियम भी है और इसको कैसे डील करेंगे ये मैं आपके साथ बेटा कंटिन्यू कर रहा हूं, और मैं आपको बता दूं ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक एक पॉइंट मैं बेटे आपके साथ डील करने वाला हूं, जहां आपके जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब कवर अप मैं करके चलूंगा। तो बेटे अगर मैं आपके साथ डील करूं, यहां देखिएगा क्वेश्चन को नोट कर रहे हैं, क्वेश्चन बढ़िया लेवल पर जब मैं नोट कर दूंगा उसके बाद बेटे उसको हम लोग प्रैक्टिस में लेकर चलेंगे। मैं लिख देता हूं, मेरे सामने भी एक कंप्यूटर स्क्रीन है वहां मैं क्वेश्चन देख पा रहा हूं। यहां लिखा गया है 20,000 शेयर्स हैं बेटा और एक शेयर का प्राइस है ₹100, दैट मीन्स 20 लाख के हमारे शेयर्स हो गए। एक शेयर के ऊपर प्रीमियम कितना है बेटे? ₹20, ₹100 है सॉरी, और एक शेयर के ऊपर प्रीमियम है 20, तो 20 × 20,000 ये करोगे तो ₹4 लाख प्रीमियम। कुल मिलाकर अगर बात करें तो 24 लाख का जो अमाउंट है ये हमारे पास आना है।
कुल मिलाकर अगर बात करें तो 24 लाख अमाउंट हमारे पास आना है। ये कहता है जी एप्लीकेशन मनी हमारे पास आनी है 30 रुपी, अलॉटमेंट मनी हमारे पास आनी है 40, जिसमें 20 कैपिटल है 20 प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट है वो है 25 और सेकंड कॉल का जो अमाउंट है ये है 25। टोटल अमाउंट अगर आप देखोगे तो ये आ गया बेटे मेरे पास 120, 120 रुपये का अमाउंट ये मेरे पास आ गया। एप्लीकेशन के नाम पर 30, अलॉटमेंट के नाम पर 40, फर्स्ट कॉल के नाम पर 25 और सेकंड कॉल के नाम पर 25, ये अमाउंट मेरे पास आएगा बेटा। शेयर एप्लीकेशन के नाम पर 30, अलॉटमेंट के नाम पर 40, फर्स्ट कॉल के नाम पर 25 और सेकंड कॉल के नाम पर 25। इस तरह से ये जो अमाउंट है बेटे ये हमारे पास आएगा। ये कहता है कंपनी के पास जो टोटल एप्लीकेशन आई वो आती है बेटे 26,000 शेयर्स के लिए। कंपनी के पास टोटल एप्लीकेशन आती है 26,000 शेयर्स के लिए और कंपनी ने क्या किया, 26,000 शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशंस आई हैं उनमें से 1,000 शेयर्स के एप्लीकेंट को हमने रिजेक्ट कर दिया, मतलब उनको कोई अलॉटमेंट नहीं दिया गया। 1,000 वालों को कोई अलॉटमेंट नहीं दिया गया और इसने ये बोला, ये कहता है कि प्रोराटा अलॉटमेंट टू द नहीं फुल अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट ऑफ 5,000 वाले ऐसे एप्लीकेंट थे जिनको फुल अलॉटमेंट किया गया, दैट मींस 5,000 वालों को 5,000 दे दिया। अब भाई 1,000 वालों को तो अपन ने नील कर दिया, 5,000 वालों को हमने 5,000 दे दिए, तो हमारे 26 में से 6,000 के एप्लीकेंट्स तो एडजस्ट हो गए, तो बचे कितने, 20,000 के एप्लीकेंट। और उनको अलॉट कितने करोगे, तो भाई उनको अलॉट होंगे 15,000। ये वाली बात आप मेरे को बताओ पहले क्लियर है क्या, 1,000 वालों को नील, 5,000 वालों को 5,000 और 20 वालों को 15। आप बोलोगे 20 वालों को 15 ये कहां से आप निकाल कर लाए हो, बेटे मैं ऐसे निकाल कर लाया कि भाई 26,000 टोटल एप्लीकेंट हैं, 1,000 को तो मैंने निल कर दिया, 5 वालों को 5 दे दिए। तो एक बात देखो, 26 में से 1 और 5, 6,000 तो एडजस्ट हो गए, तो बचे एप्लीकेंट कितने, 20,000 बचे एप्लीकेंट 20,000। और उसको शेयर कितने अलॉट होंगे, तो मैं बता दूं भाई टोटल 20,000 शेयर अलॉट होने थे, 20 में से अभी तक मैंने केवल 5 किए हैं, तो आप ये कह सकते हो कि बचे हुए वालों को 15,000 आ गए। आप मेरे को ये वाली बात बताओ, ये वाली बात आपको क्लियर है क्या। अब हम लोग कैसे उसको डील करेंगे ये मैं आपको बता रहा हूं। उससे आगे अगर मैं एक बार क्वेश्चन को देखूं तो मेरे को ये दिया गया, इतना काम करने के बाद ये बोलता है फाइनल कॉल तो हमने कॉल ही नहीं की, और एक शेयर होल्डर जिसको हमने कॉल किए हुए थे 600 शेयर्स, उसने 600 शेयर जिसको अलॉट किए थे उसने अलॉटमेंट और कॉल के पैसे, फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए। मैं लिख रहा हूं इस क्वेश्चन को ऐसे, बेटा मेरे पास एक शेयर होल्डर जिसको मैंने 600 शेयर्स अलॉट किए थे, तो एक बात तो ये क्लियर है कि जिसको हमने 600 शेयर अलॉट किए थे एप्लीकेंट वो ज्यादा का है क्योंकि वो प्रोराटा बेसिस वाला था, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। बेटा जिसको हमने 600 शेयर अलॉट किए तो एप्लीकेंट वो ज्यादा का पाएगा, पहली बात तो हमें ये वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा। अब उसका एक्स्ट्रा अमाउंट आया होगा जिसे हमने किया होगा अलॉटमेंट में एडजस्ट, तो वो एंट्री कैसे बनेगी, वो सब बातें मैं आपके साथ करने वाला हूं डिस्कस। तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, ये लो ये वाला एरिया फिर से मैंने कट कर दिया और ये वाले एरिया में मैं वर्किंग नोट की बात करूंगा और इधर वाले एरिया में मैं आपके साथ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बनाऊंगा कैसे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनना चाहिए, हर एक एंट्री में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो चलते हैं फिर करते हैं फर्स्ट एंट्री के साथ। बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास 26,000 की एप्लीकेशन मनी आ गई, एप्लीकेशन मनी है 30, तो फर्स्ट एंट्री में बनाने वाला हूं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
एप्लीकेशन के नाम पर 30 और 26,000 की बात करें तो 7,80,000, 7,80,000 रुपये ये अमाउंट मेरे पास आ गया, 7,80,000 का अमाउंट मेरे पास आ गया। सेकेंड एंट्री क्या करेंगे, सेकेंड एंट्री बनाएंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, सेकेंड एंट्री बनाएंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 7,80,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट ये वाली एंट्री बनाएंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ये वाली एंट्री बनाएंगे। और ये अमाउंट कितने की होगी आप मेरी बात को समझिएगा, तो भाई मेरे को चाहिए थे 20,000 के 30 के अकॉर्डिंग 6,00,000 रुपए, तो 20,000 × 30 6,00,000 रुपए का अमाउंट आ गया। और जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया उसका क्या किया हमने, ये देखो मैं आपको बता दूं, 1,000 वाली तो हमने नील कैटेगरी बना रखी है, तो भाई 1,000 वालों के अगर आप बात करोगे एप्लीकेशन मनी 30 रुपए है, 1,000 वालों के तो 30,000 रुपए तो ये थे, लेकिन क्योंकि ये नील कैटेगरी है तो इनके पैसे हम लौटा देने वाले। और बेटे 20 वालों को 15 दिए तो 5,000 × 30 ये अमाउंट आ रहा है 1,50,000 रुपए। अब इस 1,50,000 रुपए वाले का मैं क्या करूंगा, तो भाई इस 1,50,000 रुपए वाले को मैं क्या कर दूंगा भाई, एडजस्ट कर दूंगा किसके अंदर, एडजस्टमेंट कर दूंगा मैं इसका अलॉटमेंट में। अब ये वाली बात बता दो क्लियर है क्या, तो मैं क्या करने वाला हूं, इस नील कैटेगरी वाले के पैसे लौटा दूंगा और प्रोराटा कैटेगरी वाले के पैसे एडजस्ट कर दूंगा किसके अंदर, तो बोला गया अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। तो चलिए फिर ये देखो आप जरा, यहां मैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ये अमाउंट मैं कर दूंगा टू बैंक अकाउंट रिफंड, और यहां मैं लिख दूंगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है बेटे उसको अलॉटमेंट में ट्रांसफर करेंगे 1,50,000 ये अमाउंट आ जाएगा, एक्स्ट्रा अमाउंट को शेयर अलॉटमेंट में हम लोग कर देंगे ट्रांसफर। तो बेटे एंट्री मैंने आपको बनाकर दे दी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और सेकेंड एंट्री मैंने बनाकर दे दी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये वाली एंट्री मैंने बना दी, एक्स्ट्रा अमाउंट टू बैंक अकाउंट रिफंड कर देंगे और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ये वाली एंट्री हम बना देंगे बेटा। उसके बाद क्या होगा ये आप समझ के चलो, उसके बाद अमाउंट ड्यू करें आप अलॉटमेंट का, एंट्री बनाएं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एंट्री आप बनाएं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर मैं अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू करता हूं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, आप ये देखिएगा अलॉटमेंट का अमाउंट 40 रुपये बनता है, 20,000 शेयर पर 40 रुपये के अकॉर्डिंग आप ड्यू करोगे 8,00,000, जिसमें से 20 प्रीमियम है 20 कैपिटल है ये वाली बात भी ध्यान रखनी है। तो बेटे 20 × 40 अमाउंट ड्यू करोगे अलॉटमेंट का 8,00,000 रुपये का, टोटल अमाउंट ड्यू करोगे 8,00,000 जिसमें से कैपिटल के नाम पर है 4,00,000 और सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम पर भी है 4,00,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम पर भी है 4,00,000 ये वाली एंट्री हम लोग बना देंगे। आप मेरे को ये वाली बात बताओ डन है क्या, इतना काम करने के बाद बेटे अगर मैं करूंगा रिसीव तो एंट्री बनाऊंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और याद रखिएगा सब लोग, मैं आपको बता दूं अलॉटमेंट के नाम पर अमाउंट ड्यू कितना किया बेटे 8,00,000, अलॉटमेंट के नाम पर मैं प्रैक्टिकली आपको ये बता दूं 8,00,000 रुपए में से जो पैसे मेरे को एडवांस मिल चुके हैं अलॉटमेंट के नाम पर 1,50,000 रुपए मेरे को एडवांस मिल चुके हैं, 1,50,000 तो वो नहीं आएगा। अब 1,50,000 रुपये अगर वो अमाउंट नहीं आया तो इसका मतलब 8,00,000 में से 1,50,000 छोड़ दो 6,50,000 का अमाउंट हमें रिसीव होगा, 8,00,000 में से 1,50,000 छोड़ दो तो 6,50,000 का अमाउंट हमें रिसीव होगा। अभी आप पूरी बात सुनिएगा, 6,50,000 रिसीव होगा, लेकिन गड़बड़ क्या है
गड़बड़ ये है बेटे कि 600 शेयर वाला एक बंदा हमारा हो चुका है डिफॉल्टर, 600 शेयर वाला एक बंदा हमारा हो चुका है डिफॉल्टर। तो ये देखिएगा वर्किंग नोट में मैं आपके साथ क्या लिख रहा हूं, वर्किंग नोट में मैं क्या लिख रहा हूं, आप मेरी बात को अच्छे से समझ के चलें बेटे। आप ये देखिए जरा सब लोग, अगर मैं आपके साथ बात करूं, 600 शेयर हैं जिन्होंने पैसे नहीं दिए, बट वो एप्लीकेंट ज्यादा के पाएंगे क्योंकि बेटे वो इस कैटेगरी वाले हैं। आप मेरी बात सुनो, वर्किंग नोट में लिखिएगा नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेंट फॉर 15,000 शेयर, नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेंट फॉर 15,000 शेयर। जो ये 15,000 शेयर वाला बैच है बेटा, इसके एप्लीकेंट कितने हैं? 20,000। अब भाई 15,000 शेयर जिसको अलॉट थे, अगर उसके एप्लीकेंट 20,000 हैं, तो भाई एक शेयर के लिए क्या होगा, डिवाइड बाय 15,000 ये कर दो, और आपने कितने के लिए निकालना है, इनटू जिसको 600 शेयर अलॉट हुए उसका क्या सीन है भाई, इनटू 600 कर दो। तो भाई अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मैं बता दूं 20,000 डिवाइड बाय 15,000 इनटू 600, तो ये वैल्यू आएगी 800। ये वैल्यू कितनी आएगी, 800, ये बात आप मानकर चलिए बेटे। जिसने 600 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको अलॉट कितने करेंगे, 800, ये आ गया। सॉरी, जिसको 600 अलॉट किए उसके एप्लीकेंट कितने थे, 800, ये आ गए, ये बिल्कुल सही है। अब मैं यहां क्या लिखने वाला हूं, एक्सेस अमाउंट, एक्सेस अमाउंट रिसीव, एक्सेस अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन बेटे, एक्सेस अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन। अब ये बताओ एक्सेस अमाउंट आपको एप्लीकेशन पर कितना आया, आप मेरे को एक बात बताओ, जिन्होंने 800 शेयर के लिए अप्लाई किया और उसको हमने 600 शेयर अलॉट किए, तो आप ये मान सकते हो कि 200 शेयर्स के लिए उसका एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया 30 रुपए के अकॉर्डिंग बेटे, उसका 6,000 का अमाउंट हमारे पास आ गया एडवांस, उसका 6,000 रुपए का अमाउंट हमारे पास आ गया एडवांस, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट बेटे, अलॉटमेंट के टाइम पर कितना अमाउंट ड्यू करेंगे, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट बेटे, अलॉटमेंट के टाइम पर 600 इंटू, आप मेरी बात को समझिए, अलॉटमेंट मनी है 40, तो आप ये मानकर चलो कि अलॉटमेंट पर 600 इंटू 40, 24,000 का अमाउंट हमें रिसीव होना था। लेस कर दीजिए एडवांस अमाउंट, लेस कर दीजिए एडवांस अमाउंट, एडवांस कितने आ गए, 6,000, एडवांस छोड़ दो तो रिमेनिंग कितना बच गया बेटे, 18,000। मैं लिख सकता हूं अमाउंट नॉट रिसीव, अमाउंट नॉट रिसीव, इतना अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ, अमाउंट नॉट रिसीव। अगर मैं बात करूं इस शेयर होल्डर से, अलॉटमेंट के टाइम पर इतने पैसे रिसीव नहीं होंगे, आप मेरे को ये वाली बात बताओ, ये वाली बात आपको क्लियर है क्या, इस पर्सन से अलॉटमेंट के टाइम पर इतने पैसे रिसीव नहीं होंगे। चलो, उसके बाद इसी पर्सन से फर्स्ट कॉल के पैसे भी नहीं आए, अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल, ये लिखो अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल, इसी पर्सन से जब मैंने फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू किया, तो अब ये देखो 600 इंटू फर्स्ट कॉल मनी बेटे, फर्स्ट कॉल मनी है 25 रुपए, तो 25 रुपए के अकॉर्डिंग फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना ड्यू करेंगे, 15,000, उसने वो पैसे भी नहीं दिए। तो भाई मैं अगर बता दूं, ये बंदा अलॉटमेंट पर भी डिफॉल्टर हो गया और ये पर्सन फर्स्ट कॉल पर भी डिफॉल्टर हो गया, आप मेरे को ये वाली बात बता दो, ये वाली बात आपको क्लियर है क्या। चलो जी, इतना अमाउंट अगर आपको नहीं मिला तो ये देखो, अलॉटमेंट के नाम पर 800,000 रुपए आने थे, अलॉटमेंट के नाम पर 150,000 पहले से आ चुके हैं, वो छोड़ दो, रिमेनिंग 6,50,000 रुपए आने थे, लेकिन 18,000 का अमाउंट वो बंदा डिफॉल्टर हो गया, तो अब ये कह सकते हो 8,00,000 माइनस 150 माइनस 18,000,
तो 6,32,000 रुपये नेट अमाउंट बेटा मेरे को रिसीव हो जाएगा, 6,32,000 रुपये का अमाउंट, ये नेट अमाउंट मेरे को रिसीव होना चाहिए, क्योंकि 6,500 आने थे, 18,000 वो डिफॉल्टर हो गया, तो नेट अमाउंट 6,32,000 रुपये का अमाउंट ये मेरे को एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट रिसीव होगा। चलो जी, ये वाली एंट्री मैंने बना दी। अब सब लोगों को मेरे ख्याल से इतना समझ में आ रहा है बेटे, ये वाला जो वर्किंग नोट है ना, सारा खेल इस वर्किंग नोट के ऊपर होता है। जिसको मैंने 600 शेयर अलॉट किए वो एप्लीकांट तो ज्यादा का था, 600 शेयर जिसको अलॉट किए एप्लीकांट वो 800 का है। एक्सेस मनी 800 माइनस 600 कर दो, 200 शेयर इंटू 30, एक्सेस मनी उसका कितना आ गया, 6,000। अब जो एक्सेस मनी है उसका मैं क्या करूंगा बेटे, 600 इंटू 40 कितना अमाउंट आ गया बेटे, 24,000। माइनस कर दो एडवांस मनी, एडवांस अमाउंट कितना है बेटे, 6,000, वो छोड़ के नेट अमाउंट 18,000 आपका रिसीव करना था, लेकिन वो डिफॉल्टर हो गया तो 18 नहीं आया। उसके बाद वो फर्स्ट कॉल ड्यू किया, फर्स्ट कॉल नहीं आया, तो मेरे को पता है कि कौन सी कॉल पर कितना अमाउंट नहीं आया, ये हमें पता है बेटा। तो फर्स्ट कॉल पर नहीं आया वो अमाउंट, और अलॉटमेंट पर नहीं आया वो भी अमाउंट। अब मैं क्या करूंगा, पूरी बात सुनो ध्यान से, ये लो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। रिसीव करेंगे तो एंट्री बना देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 6,32,000 रुपये नेट अमाउंट हमें रिसीव होगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, फर्स्ट कॉल अमाउंट, ये देखिएगा फर्स्ट कॉल का अमाउंट अगर मैं करता हूं ड्यू, आप एंट्री बनाएंगे फर्स्ट कॉल के लिए, सुनो फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है बेटा, 25 रुपये, शेयर कितने हैं 20,000, तो 20,000 पर 25 रुपये के अकॉर्डिंग अगर आप ड्यू करोगे तो 5,00,000 रुपये ड्यू करोगे। एंट्री बनाएंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, आप ड्यू करेंगे 5,00,000 रुपये का अमाउंट, आप ड्यू करेंगे 5,00,000 रुपये का अमाउंट। रिसीव करने की जब बारी आई तो एंट्री बना दो बैंक अकाउंट डेबिट, रिसीव करने की बारी आई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट। तो बेटे आप ये देखो जरा, 5,00,000 अमाउंट आना था, 15,000 का अमाउंट नहीं आया, तो 4,85,000 ये अमाउंट हमें रिसीव हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 4,85,000, ये वाला अमाउंट हमें हो जाना चाहिए रिसीव। आप मेरे को ये वाली बात सब लोग बता दो, इतना आपको क्लियर है क्या, फर्स्ट कॉल तक का अमाउंट बेटे जो नहीं आया उसको छोड़कर बाकी अमाउंट मैंने कर लिया रिसीव। आप बोलते हैं सर इसके बाद क्या, भाई इसके बाद मैं करने वाला हूं फॉरफीचर। ये देखो आप, क्योंकि सेकंड कॉल या फाइनल कॉल तो हमने कॉल नहीं किया, फॉरफीचर करूंगा मैं ऐसे, एंट्री बना दूंगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मैं 600 शेयर फॉरफिट करने वाला हूं, और मैं साथ में करने वाला हूं सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी डेबिट। सिक्योरिटीज प्रीमियम इसलिए डेबिट करूंगा क्योंकि प्रीमियम का अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ। आपको मैंने बताया था कि प्रीमियम का अमाउंट अगर रिसीव ना हो तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करना होता है। आप ये देखिएगा, अगर मैं बात करूं 600 शेयर की जो मैं बात कर रहा हूं, सुनना ध्यान से बेटे, फर्स्ट कॉल तक अगर आप कैपिटल का अमाउंट चेक करेंगे तो कैपिटल के नाम पर 30+20+25, 75 तो आपने कॉल किया कैपिटल, और प्रीमियम के नाम पर आपने कॉल किया 20, 75 तो आपने कॉल किया कैपिटल, ये देखिए 75 तो आपने कॉल किया कैपिटल, और 600 × 20 इतना कॉल किया प्रीमियम, तो 600 × 75 45,000 का अमाउंट तो शेयर कैपिटल का है और 12,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम का है, ये डेबिट करेंगे। सही बात है, ये डेबिट करेंगे।
अब जो पैसे नहीं आए वो आप क्रेडिट कर दो, शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं आया वो क्रेडिट कर दो, शेयर फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं आया, फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं आया वो क्रेडिट कर दो, और जो अमाउंट आ चुका है टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट उसको आप कर देंगे। आप ये देखिएगा, अगर मैं बात करूं तो मेरे पास अलॉटमेंट के नहीं आए 18,000, फर्स्ट कॉल के नहीं आए 15,000, तो मैं क्या करूंगा, अलॉटमेंट के 18,000 नहीं आए वो क्रेडिट कर दूंगा, फर्स्ट कॉल के 15,000 नहीं आए वो क्रेडिट कर दूंगा, और बेटे जो अमाउंट रिसीव हो चुका है 57,000 टोटल था, माइनस कर देंगे 18, माइनस कर देंगे 15, तो रिसीव जो हो चुका है 24,000, ये अमाउंट बेटे मैं कर लेने वाला हूँ फॉर फ्यूचर, ये अमाउंट मैं कर लेने वाला हूँ फॉर फ्यूचर। आप मेरे को ये बोलेंगे कि सर आप एक बार फिर से चेक करवा दो कि क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग है, बिल्कुल करवा देते हैं। बेटे मैंने शेयर फॉरफिट किए 600, ये बंदा एप्लीकेंट कितने का था 800 का, एप्लीकेशन मनी 30 रुपए के अकॉर्डिंग हमें कितने रुपए देकर गया था 24,000 रुपए, और उसके बाद वो बंदा कभी हमारे पास आया ही नहीं, तो उसके जो मैं फॉरफिट करूंगा वही अमाउंट फॉरफिट करूंगा जो अमाउंट उसने आज तक हमें पे कर रखा होगा, वही अमाउंट हम लोग हमेशा बेटा फॉरफिट करेंगे, ये वाली बात आप हमेशा मानकर चलिएगा। तो मैंने क्या किया, 600 शेयर्स को, अब ये देखो 600 शेयर्स और फॉरफ्यूचर मनी है 24,000, ये कर दिया बेटा मैंने। इतनी वर्किंग करने के बाद आपको मैं बता दूं, इतनी वर्किंग करने के बाद अब मैं करूंगा री इशू, इतनी वर्किंग करने के बाद मैं करूंगा री इशू। हमें ये बोला गया कि इन सभी शेयर को नहीं, इनमें से 500 शेयर्स को री इशू किया गया ₹75 पेड अप मानते हुए, 75 पेड अप मानते हुए एट द रेट ऑफ ₹70 पर शेयर, ₹70 में री इशू कर दिया गया, 75 पेड अप मानते हुए 70 में री इशू कर दिया। क्या एंट्री बनाएंगे बेटे, बैंक अकाउंट डेबिट एंट्री बनाएंगे, 500 शेयर्स को री इशू करेंगे 70 के अकॉर्डिंग, तो ये आ जाएंगे 35,000 के। आप ये वाली बात मेरी समझिएगा, और जो लॉस है उसके लिए शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट बेटे 500 × 5, ये लॉस है उसके लिए 2500, ये डेबिट हो गया टू शेयर कैपिटल अकाउंट बेटे 37,500, ये अमाउंट आ गया। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये बात है, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये वाली बात है। अब बेटे होगा क्या, सुनो, हमने 600 शेयर फॉर फ्यूचर किए थे, उन पर फॉर फ्यूचर मनी थी 24,000। बेटे एक शेयर पर फॉर फ्यूचर मनी कितनी होगी, डिवाइड बाय 600, और हमने री इशू किए हैं 500, 500 पर कितने होंगे × 500, आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी बेटा 20,000, और री इशू करने में हमें कितने का लॉस हो गया बेटे 2,500 रुपए का। बेटे 500 शेयर पर फॉरफ्यूचर मनी बनती है 20,000, री इशू करने पर लॉस ऑन री इशू ये आपका बन गया 2,500, ये माइनस करो तो बचा कितना बेटे 17,500, ये अमाउंट बच गया। क्या करेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और ये अमाउंट आएगा 17,500, ये अमाउंट आएगा बेटे 17,500 रुपए का अमाउंट आपका फॉर फ्यूचर से निकलकर कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। आप सब लोग मेरे को ये वाली बात बताएं, आपको इतना क्लियर है क्या बेटे? जब तक आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी ना, मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा, चीजें क्लियर करवाता जाऊंगा, और जो भी आपका डाउट है
वो मैं यहाँ डिस्कस करता जाऊँगा। जिस बच्चे का जो भी डाउट है आप मेरे को मैसेज करते चलें, रिप्लाई मैं करता चलूँगा। बढ़िया लेवल पर मैं आप लोगों के लिए टॉपिक जो है वो एक एक पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ, सही है। अब आप मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, जितना मैं आपको करवा रहा हूँ आप मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिए। बेटा इसके अकॉर्डिंगली मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, इसके अकॉर्डिंगली मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ। स्क्रीन पर मैं एक क्वेश्चन और लेकर आ रहा हूँ, ये आपके सारे लेवल को जनरेट कर देगा क्वेश्चन। ये देखिए मैं एक क्वेश्चन और आपके लिए लेकर आ रहा हूँ स्क्रीन पर, जिसमें मेरे पास है दो शेयर होल्डर डिफॉल्टर। फटाफट से आप इस क्वेश्चन को रीडिंग कर लो, अपनी नोटबुक में नोट कर लो, और जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है उसके बाद मैं आपके लिए ये क्वेश्चन नोट करूंगा। और फिर जिससे जैसे मैं पिछले दो क्वेश्चन करवा चुका हूँ, इस क्वेश्चन को भी 1-to-1 एंट्री बनाते हुए, वर्किंग नोट बनाते हुए आपके साथ करने वाला हूँ डिस्कस। फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इतने तब तक पानी पी लूं, आप इसको नोट करो फटाफट से। चलिए बताइए, नोट कर लिया कि आप लोगों ने क्वेश्चन, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ये क्वेश्चन फिर से। ये देखिएगा इसमें लिखा गया अ लिमिटेड कंपनी इशू अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ पर शेयर एज फॉलो। यहाँ आई थिंक प्रीमियम की वैल्यू मिस हो गई है, यहाँ ₹2 प्रीमियम आएगा बेटा। एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 कर लीजिएगा, एक शेयर पर ₹2 प्रीमियम है। एप्लीकेशन मनी है 3, अलॉटमेंट मनी है 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट कॉल मनी है 3 और सेकंड कॉल मनी है 2। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 3 लाख शेयर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस। अलॉटमेंट जो है वो प्रोराटा बेसिस पर किया गया एंड मनी ओवर पेड वाज एम्प्लॉयड ऑन द अकाउंट सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट। और जो मनी ओवर पेड थी उसको कहाँ एडजस्ट किया गया बेटे, अलॉटमेंट में एडजस्ट किया गया। ये बोला गया कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट किया गया। ये कहते हैं राम टू हुम 400 शेयर्स वर अलॉटेड फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू फर्स्ट कॉल His शेयर वर forfeited। ये बोलता है राम जिसको 400 शेयर अलॉट किए गए थे उसने अलॉटमेंट मनी जो है वो पेड नहीं किया, और जब उसने फर्स्ट कॉल के पैसे भी नहीं दिए तो कंपनी ने उसके शेयर को forfeit कर लिया। राम के बाद सॉरी आर के बाद एम द होल्डर ऑफ 600 शेयर फेल्ड टू पे द 2 calls एंड his शेयर वर forfeited आफ्टर द सेकेंड कॉल। बेटे यहाँ दो लोग डिफॉल्टर हैं, एक आर और एक एम। आर जो है 400 शेयर पर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पर डिफॉल्टर है, एम जो है 600 शेयर्स पर दोनों कॉल्स पर डिफॉल्टर है। एंड आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर 800 शेयर सोल्ड टू के एज फुल्ली पेड अप, के पेइंग ₹9 पर शेयर द होल ऑफ द आर शेयर बीइंग इंक्लूड। आर का सारा अमाउंट उसमें इंक्लूड है ऐसा हमें बोला गया।
कोई दिक्कत नहीं है, जर्नल एंट्री हमें बनानी है। क्वेश्चन बेटे अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं स्क्रीन पर ये क्वेश्चन अब आपके साथ नोट कर देता हूं और मैं आपको करवा देता हूं कैसे इसकी होंगी एंट्रीज। तो ये देखिएगा, सबसे पहली बात 30th क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं बेटा आपके साथ। ये देखिएगा, अ लिमिटेड कंपनी इशू इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच। एक शेयर पर ₹10 है तो ये ₹20 लाख का अमाउंट आ गया बेटे, और एक शेयर के ऊपर ₹2 प्रीमियम है तो आप ये मानकर चलो ₹4 लाख का अमाउंट प्रीमियम आएगा। अगर अपन लोग मानकर चलें 24 लाख, ये अमाउंट हमारे पास आएगा। ये वाली बात बताओ, 24 लाख हमारे पास आएगा। ये कहता है जी एप्लीकेशन का जो अमाउंट है वो ₹3 है, अलॉटमेंट का अमाउंट 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम 2, तो 2+2 हो जाएगा। फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट है वो आएगा 3 और सेकंड कॉल का जो अमाउंट आएगा वो आएगा 2, तो 4, 3, 3 और 2 ये अमाउंट आप निकालेंगे तो ये अमाउंट कितना आएगा बेटा 12, ये अमाउंट आएगा 12। एप्लीकेशन फॉर रिसीव फॉर 3 लाख शेयर, 3 लाख शेयर के लिए हमारे पास एप्लीकेशन आती है और अलॉटमेंट जो है वो प्रोराटा बेसिस पर किया गया। आर अलॉटमेंट प्रोराटा बेसिस पर सबको किया गया, 3 लाख वालों को 2 लाख दे दिए गए। इसका मतलब ये कि जो एक्सेस मनी है सबका अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। ये बोलता है अब यहां देखिएगा, आर पहला पर्सन है, आर एक पर्सन है जिसको 400 शेयर अलॉट किए गए। आर जो है जिसको 400 शेयर्स अलॉट किए गए, आर को हमने 400 शेयर अलॉट किए, और आर जिसको हमने 400 शेयर अलॉट किए उसने कौन कौन से पैसे नहीं दिए? एक तो भाई उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए और एक उसने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए। अब आर जिसको हमने 400 शेयर अलॉट किए उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए और कंपनी ने उसके शेयर को फॉरफिट किया, तो मैं आपको बता दूं, इसके अलावा आर के बाद एम जिसके पास 600 शेयर्स हैं और उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल के पैसे नहीं दिए, कंपनी ने उसके शेयर फर्स्ट सेकंड कॉल के बाद फॉरफिट कर लिए। अब भाई मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे पहली बात मैं आपके लिए एक प्यारा सा वर्किंग नोट यहां बनाकर चलूंगा जिसमें मैं आर का वर्किंग नोट भी बनाऊंगा और जिसमें मैं एम का भी वर्किंग नोट बनाऊंगा। ये बात आप मानकर चलो, आर और एम दोनों की कैलकुलेशन मैं एक साइड करने वाला हूं और एक साइड में फिर आपके लिए बना दूंगा पूरी की पूरी जर्नल एंट्रीज, और ये बहुत ही अच्छे लेवल पर। पहले फॉरफीचर करने तक का काम कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे कितने शेयर को रीइशू किया और किस वाले शेयर को रीइशू किया और क्या बनेगी उसकी जर्नल एंट्री, सब बातें मैं आपके साथ करूंगा बढ़िया तरीके से डिस्कस। तो आप मेरी बात को अच्छे से समझो बेटा, फर्स्ट एंट्री में क्या बनाऊंगा, मैं एंट्री बनाऊंगा बैंक अकाउंट डेबिट। फर्स्ट एंट्री में बनाऊंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, फर्स्ट एंट्री में बनाऊंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बेटे एप्लीकेशन के नाम पर ₹3 हैं तो 3 लाख × 3 करेंगे 9 लाख हो जाएगा, 3 लाख × 3 करेंगे 9 लाख हो जाएगा, 3 लाख × 3 करेंगे 9 लाख हो जाएगा। नंबर टू, शेयर एप्लीकेशन का जो ये अमाउंट है ना बेटे, शेयर एप्लीकेशन का ये जो अमाउंट है ना बेटे, एंट्री बनाएंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन का जो ये अमाउंट है इसको आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करो। मैं आपको बता दूं, एप्लीकेशन के जो आपके 9 लाख रुपए हैं इसमें से आपके 2 लाख × 3 6 लाख रुपए का अमाउंट आपका चला गया शेयर कैपिटल में, 2 लाख × 3 6 लाख रुपए का अमाउंट आपका चला गया शेयर कैपिटल में, क्योंकि हमें तो 2 लाख शेयर इशू करने थे और जो एक्स्ट्रा अमाउंट है बेटे वो आपका आ जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में।
एक्स्ट्रा अमाउंट आपका आ जाएगा बेटे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एक्स्ट्रा अमाउंट को आप लेकर आ जाओ बेटा शेयर अलॉटमेंट में, एक्स्ट्रा अमाउंट को आप लेकर आ जाओ शेयर अलॉटमेंट में, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये वाली एंट्री बनाएंगे। सही बात है, इतना काम मैंने आपका करवा दिया बेटे। अब आप सब लोग मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझ के चलो बेटा। फिर मैं क्या करूंगा, अमाउंट ड्यू करूंगा अलॉटमेंट का, एंट्री बना दूंगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ये एंट्री बनाएंगे बेटा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ये वाली बात बनाएंगे बेटा। अब ये देखो अलॉटमेंट के चार रुपए बेटे, तो 2 लाख पर 4 रुपए के अकॉर्डिंग 8 लाख रुपए ड्यू कर दो, जिसमें से 4 लाख रुपए तो है कैपिटल के और 4 लाख रुपए हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम के, ये वाली एंट्री बना देंगे। 4 लाख रुपए हैं कैपिटल के और 4 लाख रुपए हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम के, रिसीव करेंगे ना बेटे, तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट के टाइम पर 8 लाख रुपए का अमाउंट हमें रिसीव होना था, अलॉटमेंट के टाइम पर 8 लाख रुपए का अमाउंट हमें ₹8 लाख रिसीव होना है, लेकिन अगर आप देखोगे अलॉटमेंट में से कितने अमाउंट ₹3 लाख जो ऑलरेडी मेरे पास रिसीव हो चुके हैं, तो मैं ये मान लूंगा कि मेरे पास नेट अमाउंट कितना आना चाहिए 5 लाख, नेट अमाउंट कितना आना चाहिए 5 लाख, ये मेरे पास नेट अमाउंट आना चाहिए एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। नेट अमाउंट मेरे पास कितना अमाउंट आना चाहिए 5 लाख आना चाहिए, ये वाली बात समझ के चलो, नेट अमाउंट अलॉटमेंट के टाइम पर आना चाहिए 5 लाख। लेकिन आप मेरी बात को ध्यान से समझना, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट कितने पैसे मेरे पास नहीं आएंगे, मेरे पास यहां पहला बंदा है आर जो डिफॉल्टर हो गया अलॉटमेंट के टाइम पर और फर्स्ट कॉल के टाइम पर, दूसरा है एम जो डिफॉल्टर हुआ फर्स्ट और सेकंड कॉल पर। मैं एक काम कर देता हूं और बहुत ही बढ़िया वाली बात, वर्किंग नोट बनाता हूं मैं, पहले मैं आर का वर्किंग नोट बना के दे रहा हूं आपको पूरा का पूरा, कि आर क्या कहां कितने डिफॉल्टरों का क्या है। आर बेटा वो पर्सन है जिसको 400 शेयर अलॉट हुए बेटे, आर को अगर 400 शेयर अलॉट हुए तो पहली बात तो ये एप्लीकेंट वो ज्यादा का पाएगा, कैसे पता चलेगा बेटे, 2 लाख शेयर के एप्लीकेंट आपके कितने हैं 3 लाख, अब ये बात मान के चलो 2 लाख शेयर के एप्लीकेंट कितने हैं बेटे 3 लाख, तो 1 शेयर के एप्लीकेंट कितने हैं डिवाइड बाय 2 लाख, और अगर मैं बात करूं कितने शेयर की बात करूं, अगर मैं बात करूं यहां 400 शेयर, 400 शेयर पर अमाउंट कितना है, तो भाई इंटू 400 कर दो, इंटू 400 करेंगे तो ये एप्लीकेंट हो गया 600 शेयर का, ये एप्लीकेंट हो गया 600 शेयर का, जिसको 400 शेयर अलॉट हुए उसके एप्लीकेंट कितने थे 600, एक्सेस अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट बेटे, एक्सेस अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, एक्सेस अमाउंट अलॉटमेंट के टाइम पर कितना ड्यू हुआ, अगर मैं चेक करूंगा तो एक्सेस अमाउंट कितना ड्यू हुआ, 600 शेयर के एप्लीकेंट को हमने 400 शेयर अलॉट किए, तो आप ये कह लो कि 200 इंटू अलॉटमेंट मनी है 4 रुपये, नहीं एक्सेस अमाउंट एप्लीकेशन मनी कितनी है 3 रुपए,
एक्सेस अमाउंट 200 × 3, 600 रुपये मेरे पास एडवांस आ गए, ये लो 600 रुपये मेरे पास एडवांस आ गए। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का क्या सीन है भाई? तो आप ये देखिए, अलॉटमेंट के टाइम पर अगर मैं बात करूं तो 400 शेयर हैं और अलॉटमेंट मनी कितनी है बेटे? अलॉटमेंट मनी है 4 रुपये। 400 × 4, ये अमाउंट आएगा 600। लेस कर दो, ये एक्सेस मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन है बेटा, ऊपर एप्लीकेशन लिखना, ठीक है? चलिए, अलॉटमेंट पर एडवांस मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन, एडवांस मनी कितना आ चुका है एप्लीकेशन पर? 1000। तो ये पर्सन अलॉटमेंट के टाइम पर अगर डिफॉल्टर होगा तो कितने अमाउंट से डिफॉल्टर होगा बेटे? 1000 से डिफॉल्टर होगा। और यही अमाउंट अगर आप फर्स्ट कॉल पर बात करें, अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, यही पर्सन जब फर्स्ट कॉल पर डिफॉल्टर होगा तो फर्स्ट कॉल के टाइम पर ये अमाउंट कितने रुपए से डिफॉल्टर होगा? तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट कॉल के टाइम पर 3 रुपये पर शेयर है, एडवांस आपका पहले एडजस्ट हो ही गया, 400 × 3, ये बेटे फर्स्ट कॉल के टाइम पर 1200 रुपये से डिफॉल्टर होगा। आप पहले इतना बता दो, ये वाली बात आप सब लोगों को क्लियर है क्या? इतना अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं उसके आगे की बात करूंगा। आप मेरे को ये वाली बात बताएं, सब लोगों को इतना सबको क्लियर है क्या? आप सब लोग मेरे को ये वाली बात बताएं, इतना सबको क्लियर है क्या? अगर मैं बात करूं आर कहां कहां कितने कितने अमाउंट से डिफॉल्टर है, ये मैंने निकाल दिया कि आर भाई डिफॉल्टर आपका कहां कहां है, कितने कितने अमाउंट से डिफॉल्टर है, ये मैंने निकाल दिया। एम की भी बात कर लेते हैं, एम 600 वाला बंदा, ये डिफॉल्टर है सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड कॉल पर। एक बात समझ लीजिए ध्यान से, दिमाग लगा करके, 600 शेयर जिसको अलॉट हुए, एप्लीकेंट वो ज्यादा का पाएगा, जैसे आर एप्लीकेंट ज्यादा का, वैसे एम भी ज्यादा का पाएगा, एक्सेस मनी उसने दी होगी, एक्सेस मनी को हमने एडजस्ट कहां किया होगा? अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट में ये बंदा डिफॉल्टर है ही नहीं। इसका मतलब मैं ये जो चीज कहने चाह रहा हूं वो ये कि अगर मैं एम की बात करूंगा ना बेटे, अगर मैं एम की बात करूंगा तो एम जिसको शेयर अलॉट कितने हैं बेटे? 600। और अगर आप ये कहते हो कि एम जो है फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पर डिफॉल्टर हो गया, तो 600 शेयर इंटू 3, फर्स्ट कॉल पर डिफॉल्टर हो गया 1800 से, और 600 × 2, सेकंड कॉल पर डिफॉल्टर हो गया वो 1200 रुपये से। तो ये लीजिए, एम अगर मैं बात करूं फर्स्ट कॉल पर तो 600 × 3, फर्स्ट कॉल पर वो डिफॉल्टर होगा 1800 से, और सेकंड कॉल की अगर मैं बात करूं तो 600 × 2, सेकंड कॉल पर अगर वो डिफॉल्टर होगा तो वो डिफॉल्टर होगा 1200 रुपये से। ये अमाउंट ऐसे आएगा बेटे। आप मेरे को ये वाली बात बताओ, ये वाली बात सबको क्लियर है क्या? अगर आपको इतना समझ में आ रहा है तो मैं बेटे इससे आगे की बात आपके साथ करता हूं, सही है? अब आप ये देखो, मैं आपको जो चीज बताने वाला हूं, ये पूरे वर्किंग नोट आ गए, ये आर का वर्किंग नोट आ गया और एम का वर्किंग नोट आ गया। अब वापस से शुरू करते हैं। एप्लीकेशन मनी आ गई थी, एप्लीकेशन के पैसे आपने ट्रांसफर कर दिए कैपिटल में और अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट मनी ड्यू किया 8 लाख रुपए, जिसमें से कैपिटल है 4 लाख, अलॉटमेंट के साथ और प्रीमियम का अमाउंट है 4 लाख। 8 लाख रुपए जब रिसीव होने थे, अलॉटमेंट का एडवांस कितना रखा है बेटे हमारे पास? 3 लाख रुपए। तो नेट अमाउंट मेरे पास 8 लाख में से 3 लाख गया, तो कितना अमाउंट नेट आएगा बेटे? 5 लाख। ये आना चाहिए था, लेकिन अगर कोई अमाउंट डिफॉल्टर हो गया, अब ये देखो अलॉटमेंट के टाइम पर कितने रुपए से डिफॉल्टर हो गया? 1000 से। तो अलॉटमेंट का अमाउंट 1000 छोड़ दो, रिमेनिंग अमाउंट रिसीव होगा, तो आप ये कह सकते हैं 499, 4,99,000 रुपये, 4,99,000, ये अमाउंट हमें रिसीव हो जाएगा।
शेयर अलॉटमेंट अमाउंट जो है 4,99,000 ये रिसीव हो जाएगा। सही बात, चलते चलो। अलॉटमेंट के बाद मैं ड्यू करता हूं फर्स्ट कॉल अमाउंट, एंट्री बना देंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटे फर्स्ट कॉल का अमाउंट जब आप ड्यू करेंगे तो मैं आपको बता दूं फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट है वो 3 रुपये बेटे, और 2 लाख शेयर पर अगर आप बात करेंगे तो टोटल अमाउंट ड्यू करेंगे 6 लाख। टोटल अमाउंट आप ड्यू करेंगे 6 लाख, ये अमाउंट ड्यू करेंगे, रिसीव करेंगे ना बेटे, तो एंट्री क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अगर मैं बात करूं 6 लाख, ये टोटल अमाउंट हमें रिसीव होना था, एडवांस तो किसी का आ नहीं रखा है, दैट मींस रिमेनिंग अमाउंट 6 लाख आना था, लेकिन आर एक पर्सन है वो डिफॉल्टर हो गया 1200 से, और एम एक पर्सन है वो डिफॉल्टर हो गया 1800 से। आर और एम डिफॉल्टर हो गए, तो आर और एम अगर डिफॉल्टर हो गए 3000 से, तो आप ये कह सकते हो फर्स्ट कॉल के टाइम पर 5,97,000 ये आपको फर्स्ट कॉल के टाइम तक रिसीव हो गया, फर्स्ट कॉल के टाइम तक ये अमाउंट आपको रिसीव हो गया। आप मेरे को ये वाली बात बताओ, आपको ये वाली बात क्लियर है क्या? इतना काम करने के बाद फर्स्ट कॉल का अमाउंट ये ड्यू करने के बाद अगर बेटे मैं बात करता हूं सेकंड कॉल की, तो ये देखिएगा शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटे शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, नहीं 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 नहीं, हमें क्या करना है सेकंड कॉल से पहले, एक गड़बड़ है आपको मैं बता दूं, यहां फर्स्ट कॉल के बाद हमने आर के शेयर को फॉरफिट कर लेना है। एंट्री बनाएंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फॉरफिट करेंगे आर के शेयर को। आर के शेयर कितने हैं पहले समझ लो, ये रहा आर का वर्किंग नोट, आर के शेयर हैं 400 और आर डिफॉल्टर है अलॉटमेंट पर 1000 से, फर्स्ट कॉल पर 2200 से, और आर जो है अगर डिफॉल्टर हुआ आर के 400 शेयर, स्क्रीन पर आप आ जाओ, आर के जो 400 शेयर हैं आप ये देखो, आर के 400 शेयर पर एप्लीकेशन के 3, अलॉटमेंट की कैपिटल के 2 और फर्स्ट कॉल के 3, 3 और 3 6 और 2 8, 8 रुपये का अमाउंट आपने अलॉटमेंट तक फर्स्ट कॉल तक कैपिटल का मंगवा रखा है, और प्रीमियम का अमाउंट कॉल कर रखा है 2 रुपये। अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन के नाम पर 3, अलॉटमेंट के नाम पर 4 हैं, 4 में से 2 कैपिटल 2 प्रीमियम है, फर्स्ट कॉल के 3 रुपये कैपिटल के हैं, तो अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो कैपिटल के नाम पर तो हो गए 8 रुपये, प्रीमियम के नाम पर हो गए 2 रुपये। ये अमाउंट आपको जो है क्या करना है बेटे, ये लो, एंट्री बना देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर मैं बात करूं, सुनिए मेरी बात ध्यान से, अगर मैं बात करूं शेयर कैपिटल अकाउंट, तो बेटे कितने शेयर हैं, 400, एक शेयर का अमाउंट कितना है ये बताओ जरा आप मेरे को, एक शेयर का अमाउंट